शहर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में भाजपा पार्षद के बेटे द्वारा फरियादियों से लाखों की धोखाधड़ी की गई। वहीं आरोपी द्वारा उन्हें नगर निगम के समीप बने एक कॉम्प्लेक्स में दुकानों के आवंटन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की गई है। वहीं पुलिस द्वारा फरियादी की शिकायत पर आरोपी पर 420 का मामला दर्ज किया गया। वहीं आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और पुलिस द्वारा आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, आरोपी भाजपा पार्षद रूपा पांडे का लड़का है और आरोपी के पिता पूर्व में बार काउंसलिंग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो प्रकरण दर्ज किया गया है, कौन आरोपी है और क्या प्रोफाइल है आरोपी, जो क्या शिकायत है? इसमें जो घटनाक्रम है उसमें फरियादी अरविंद चावला और सचिन यादव, इनके द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी और उन शिकायतों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि जो आरोपी है भरत पांडे, निवासी द्वारकापुरी क्षेत्र के हैं, ये खुदी कोठे के, इनके द्वारा फरियादी अरविंद चावला से करीब 76 लाख और सचिन यादव से लगभग 18.25 लाख रुपए का गबन किया है और उनको बताया था कि नगर निगम का एक कॉम्प्लेक्स मराठी स्कूल के पास ये एमजी रोड में बन रहा है, उसमें 3 दुकान है, 2 दुकान है अरविंद चावला को और 1 दुकान सचिन यादव को, बोले हम आपको ये दिलवा देंगे। और ऐसी स्थिति में उनसे पैसों का लेन देन किया और दुकानों का अस्थायी कब्जा भी दे दिया गया। और जब नगर निगम से इसकी जांच जानकारी चाही गई तो नगर निगम द्वारा बताया गया कि ये जो दुकानें हैं ये उन्होंने बेचने के लिए रखी ही नहीं है, रिजर्व है एक तरह से। ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से अपराध घटित करना पाया जाने से अपराध क्रमांक 236 धारा 420 477 का केस रजिस्टर किया गया जो इन्वेस्टिगेशन में है। भरत पांडे की क्या प्रोफाइल है, उसके परिवार में नगर निगम में रहती है और भरत पांडे जो एक एडवोकेट है और ये इनके मिलने वाले थे जो फरियादी है केस के, और संपर्क भी पहले से ही था और इसी दौरान आपस में ये सब घटनाक्रम हुआ और आपराधिक घटना घटित हुई है।